मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मामूली सी बात पर तेज धार हथियारों से किया कत्ल, मामूली बातों के चलते रास्ते के निर्माण को लेकर हुए झड़प में आरोपियों ने नबी कॉलोनी के निवासी आसिफ आमिर हुसैन को तेज धार हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया। कलबुर्गी शहर के मिसबा नगर में यह भयानक हादसा पेश आया है। SP यडा मार्टिन ने बताया है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला कलबुर्गी ग्रामीण पुलिस थाने में दर्ज। लोकसभा चुनाव, कर्नाटक राज्य चुनाव अधिकारी की प्रेस मीट। कल दिल्ली से केंद्र चुनाव आयोग अधिकारी ने प्रेस मीट का बाद बेंगलुरु में भी राज्य चुनाव अधिकारी ने प्रेस मीट की, जिसमें बताया कि कर्नाटक में कुल 28 सीटों के लिए लोकसभा चुनाव दो चरण में होगा। 18 अप्रैल को उड़पी, चिकमंगलूर, हासन, चित्रदुर्ग, दक्षिण कन्नड़, तुमकुर, मैसूर, बेंगलुरु ग्रामांतर, बेंगलुरु उत्तर, बेंगलुरु सेंट्रल, बेंगलुरु दक्षिण, चिकबल्लापुर और कोलार में मतदान होगा। दूसरे चरण में यानी 23 अप्रैल को 14 सीटों के लिए चुनाव चिक्कोडी, बेलगाम, बागलकोट, बीजापुर, कलबुर्गी, रायचूर, बीदर, कोप्पड़, बल्लारी, हावेरी, धारवाड़, उत्तर कन्नड़, दावणगेरे और शिमोगा में होगा। पहले चरण के मतदान के लिए नाम पत्र भरने की तारीख 26 मार्च 2019 और वापस लेने की तारीख 29 मार्च 2019 और दूसरे चरण के चुनाव के लिए नाम पत्र भरने की तारीख 4 अप्रैल 2019, वापस लेने की तारीख 8 अप्रैल 2019 को होगी। कुल 28 सीटों के लिए कर्नाटक में चुनाव होगा, जिसमें 7 मतक्षेत्र आरक्षित हैं, 5 SC और 2 ST, यानी कुल 5,03,46,721 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष 2,54,00,000 और महिलाएं 2,48,00,000 हैं। कुल नतीजे देश भर के मई 23 को आएंगे। कर्नाटक में दो चरणों में चुनाव के पीछे साजिश छुपी है। JDS राज्याध्यक्ष एच विश्वनाथ कल बेंगलुरु के JP भवन में बात करते हुए JDS राज्याध्यक्ष एच विश्वनाथ ने कर्नाटक में दो चरणों में चुनाव करने को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि इसमें जरूर कोई साजिश छुपी है। साझा सरकार से केंद्र सरकार डरती है, कर्नाटक में ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए ऐसा किया गया है। साझा सरकार इस लोकसभा चुनाव में कम से कम 20 सीटें जीतने का विश्वास दिलाया एच विश्वनाथ ने। ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रिक वायर चुराने वाले 6 आरोपी पुलिस की हिरासत में। धारवाड़ ग्रामीण पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई करके धारवाड़ तालुके के चिक मड़गीवाड़ ग्राम में ट्रांसफार्मर सहित इलेक्ट्रिक वायर चुराने वाले सदानंद रोट्टीवल्ली, रमेश अर्लीकट्टी, अन्नप्पा गौड़ा पाटिल, सिद्धप्पा टैगोर और शिवानंद गौरी को गिरफ्तार करके इनसे ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रिक वायर जब्त कर लिया है। और 2 आरोपी राघवेंद्र सोमैया जी और रवि वडियर को पुलिस तलाश कर रही है। डंपिंग यार्ड में लगी भयानक आग। बेल्टनगढ़ी नाथ ग्राम के इच्छिल इलाके के कचरा डंप करने वाले यार्ड में अचानक लगी आग से करीब 2 एकड़ का जंगल जलकर खाक हुआ है। किसी ने आग लगाई है या केमिकल रिएक्शन से ये आग लगी है, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस और दमकल कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया है। बीदर, कलबुर्गी, कोलार और रायचूर में BJP के बदले लोक जनशक्ति के उम्मीदवार रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति इस बार लोकसभा चुनाव में BJP के साथ गठबंधन करके बीदर, रायचूर, कोलार और कलबुर्गी में अपने उम्मीदवारों को टिकट देने की बात कही जिला अध्यक्ष जी वेंकट रेड्डी ने। मीडिया से कहा कि इन इलाकों में पिछड़े जनजाति के लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान इस संबंध में BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से चर्चा कर रहे हैं। अगर ये चर्चा सफल रही तो इन 4 जिलों में हम अपने उम्मीदवारों को इस चुनाव में टिकट देंगे, कहा जिला अध्यक्ष ने। बीदर से अयाज खान को टिकट देने का आग्रह, 3 अभिमानियों ने की आत्महत्या की कोशिश। बीदर लोकसभा क्षेत्र से अयाज खान को टिकट देने की मांग करते हुए सैकड़ों अभिमानियों ने शहर के शिवनगर में स्थित कांग्रेस दफ्तर के सामने टायर जलाकर
प्रदर्शन किया। इस मौके पर तीन अभिमानियों ने जिस्म पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा लेने की कोशिश की तो उन्हें और लोगों ने रोक लिया। इस क्षेत्र से केपीसीसी कार्यदर्शी ईश्वर खंडरे को टिकट देने की बात कही जा रही है, इसलिए अयाज खान के समर्थकों ने टिकट के लिए दबाव डाला है। अब देखना है कांग्रेस किसको टिकट देती है। एयर स्ट्राइक और सेना के खिलाफ बयान देने वालों पर कार्रवाई की मांग। आज कलबुर्गी में जय कर्नाटक जागृति संघ की ओर से प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली गई, जिसमें एयर स्ट्राइक और सेना के खिलाफ बयान दे रहे सियासी मुकंडों की तस्वीर लेकर इनके खिलाफ नारे लगाते हुए इन पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए जिला अधिकारी को निवेदन पत्र दिया गया। इस रैली में जय कर्नाटक जागृति संघ के कई पदाधिकारी शामिल रहे। खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।